Assalamualaikum boys and girls, welcome back to Qasim News. तो गाइस आज बकरीद का दूसरा दिन है और आप सबको ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप सबकी कुर्बानी कबूल करे और इस साल कुर्बानी नहीं की तो अल्लाह ताला उन्हें तौफीक दे कि वो अगले साल तक ईद की कुर्बानी करे। और आपको तो पता ही है बकरीद और बारबेक्यू का सीन आप जैसा तो नहीं सकते, आज हम लोग भी बारबेक्यू सीन कर रहे तो जुड़े रहिएगा। और अभी हम लोग ने यहाँ पे कोयले जला दिए, आग का सेटअप यहाँ पे कर लिया हम लोग ने, कोयले वगैरह जला दिए, इस पर अभी हम बारबेक्यू करेंगे। और ये हमारे बारबेक्यू के शेफ है इधर, क्या सीन आज का? आज कासिम यहाँ पर बारबेक्यू है ईद की खुशी पे। आज यहाँ पर मटन है, बीफ है, बिरयानी है और हम इसको कोयले में पकाएंगे इंशाल्लाह, मजे के साथ पकाएंगे और मजे के साथ खाएंगे। ये चीज बहुत मजा आने वाला है, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, आगे किसी ने देखना ना भूलिएगा। और अभी हमारे शेफ एक और शेफ आ गए इधर, रहीम भाई। तो रहीम भाई क्या सीन है? ये सीन है कि ये रेसिपी जो भी है कहीं से देखी भी नहीं है, ये अपनी बनाई हुई रेसिपी है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमने ऑब्जर्व की हैं, जैसे टर्किश कुजीन है जी, उसमें ये एग्प्लांट बैंगन का इस्तेमाल होता है, ये बड़ा प्यारा सा जायका लेके आता है इसके अंदर। और इसकी जो ना एक महक आती है, खुशबू आती है जो आपके बारबेक्यू आइटम के साथ आती है, तो बहुत जबरदस्त आती है, दिखने में भी अच्छा लग रहा है काफी। तो अभी ये जब तैयार होगा तो ऑफ कोर्स मजा आएगा इसको खाने में। टर्किश ये वाली दो रेडी हो गई है, एक बर्तन चाहिए होगा जिसमें डालना है, ये लो। मैंने यहाँ पे खाली अफगानी और बारबेक्यू यहाँ प्लेट में रखी है, अभी आप लोगों में टेस्ट करके इसका रिव्यू देता हूँ। गाइस ब्रीफ बहुत ही टाइट बारबेक्यू बना है, कोई मेहनत महसूस हो गई, सो यम्मी सो टेस्टी। तो गाइस आप लोग में से जिसने भी इस ईद पे बारबेक्यू की तो वो लोग भी नीचे कमेंट जरूर करें और आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।